कोई भी डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको सबसे पहले, उसको पहले डिस्कशन के पहले स्टार्ट करना होता है कि व्हाट इज फूड। ठीक है, सो क्या है कि आप फूड का ही, जो भी आप खाना खा रहे होते हो उसी को आप डाइजेस्ट करने के लिए जो सिस्टम है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, द फूड इज लाइक, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। यानी आप जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसको डिवाइड करना है, ग्रो करना है, तो उसको फूड पे डिपेंडेंट होता है, होना होता है, जहां से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। लेट मी हैव दिस वाइट कलर, यस। ठीक है, तो जो भी फूड है आपके, उनके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो जनरली फूड को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे डिवाइड किया जाता है। यानी कि वो पार्ट जिसके साइज थोड़े बड़े होते हैं और ज्यादा अमाउंट में होते हैं, वो पार्ट जिनके साइज छोटे होते हैं और उनको कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है। तो जो भी मेजर कंपोनेंट है आपके फूड का वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लास्ट के डिनर में, या लास्ट के डिनर में हमको ये बताओ तुम लोग सब लोग कि कार्बोहाइड्रेट क्या खाए थे, प्रोटीन क्या खाए थे और फैट क्या खाए थे। कार्बोहाइड्रेट में पुलाव, फैट में राजमा था तो उसमें घी डाला हुआ था, हाँ, एंड दैट प्रोटीन बटर और द घी इज द फैट। बटर और घी इज द फैट, ठीक है। पुलाव मीन्स राइस, यू आर यूजिंग राइस, राइट? या हाँ, देन इट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड राजमा इटसेल्फ कंटेन्स प्रोटीन। सो रात का, प्रोटीन। हाँ, रात का जो आपका डाइट था उसमें आपने कार्ब, प्रोटीन और फैट तीनों को ही लिया हुआ है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। जैसे मैं रात में, मैंने कल रात में वो सत्तू का जो शेक होता है वो मैंने पिया, तो रात में आई डिक्रीज डाउन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ माई फूड। मैंने अपने खाने का कैलोरिफिक वैल्यू को किया ताकि ईजी डाइजेशन रात में मेंटेन हो सके। तो आपके एज और मेरे एज के बीच का डिफरेंस है, तो हम रात में थोड़ा सा ये किए, जो आई वाज कंप्लीटली ऑन प्रोटीन, नॉट ऑन कार्ब, नॉट ऑन फैट। क्लियर है? तो मेजर कंपोनेंट जो है, आप किसी भी समय का डाइट देखेंगे, आज आप नाश्ता करने बैठेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये क्या है और ये क्या है, फैट क्या है और प्रोटीन क्या है। तो ये आपका मेजर कंपोनेंट होता है जो जो भी आप खाना खा रहे होते हो। और माइनर कंपोनेंट्स में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो क्या हो जाता है, विटामिन्स, ज्यादातर विटामिन और मिनरल कहाँ से मिलता है आपको? फ्रूट्स से, ठीक है, फ्रूट्स से, सलाद से, ये से मिलते हैं। और आपके अंदर के जो भी बॉडी में जो भी एंजाइम्स हो रहे होते हैं ना, आप जो खाना को डाइजेस्ट करता है या हार्मोन्स होते हैं उनके लिए ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है कि अगर आपके बॉडी में मिनरल और विटामिन कम कम है, को फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के तौर पे काम करते हैं। यानी इंजाइम या प्रोटीन को आपके बॉडी में काम करना है तो इनका इंजाइम के साथ बाइंड करना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई छोटा अमाउंट में भी आप फ्रूट जो है, एक टुकड़ा ही नारंगी सही, एक टुकड़ा ही सेब सही, लेकिन उसको रोज कम से कम खाया कीजिए, ताकि आपके बॉडी में एंजाइम और प्रोटीन का सिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन उनको काम करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो आपके पास में अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप साइकिल और बाइक ले लो, उसमें से चक्का निकाल दो तो कितना भी अच्छा रहेगा वो काम नहीं करेगा। फिर चक्का भी छोड़ दो, उसका चेन निकाल दो जो इंजन से व्हील्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं ना, वो फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, वो विटामिन और मिनरल से मिलकर बने होते हैं। तो आपका बहुत अच्छा भी प्रोटीन का सिक्रेशन हो रहा है, लेकिन इफ यू आर डेफिशिएंट ऑफ दीज थिंग्स देन वो आपका प्रॉब्लम करना शुरू करेगा। इवन इफ कि आप रोटी जो खा रहे होते हो, गेहूं का जो छिलका होता है उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो ये फूड फूड है, ये आपको मोटा मोटी एक आइडिया देगा कि आपको खाना क्या है, आपको डाइजेस्ट क्या करना है, आपको एसिमिलेट क्या करना है, जिसके बारे में हम लोग आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। इज इट क्लियर नॉट? और यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि ये जितनी भी चीजें हैं, मेजर और माइनर कॉम्पोनेंट्स, वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है वो डिटेल डिस्कशन में वहां पे दिया गया हुआ है। मैंने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने तरह के होते हैं, उसका आइसोमेरिज्म होता है तो डी और एल फॉर्म में कैसे कैसे पाया जाता है, ये सारा चीज वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल और फूड में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आएंगे तब देखेंगे कि इसको कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? तो जो भी फूड होता है, हम लोग फूड किस चीज के लिए कंज्यूम करते हैं? वी ईट और हैव द फूड फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल।
हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल ही एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का नॉर्मली अभिनव ने देखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे, लेकिन क्या है कि वो भी पढ़ाने का एक तरीका था ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सके कि किताब का लाइन बाय लाइन पढ़ना कितना जरूरी होता है। बट आई हैव जस्ट टेकन द जिस्ट ऑफ द चैप्टर और टॉपिक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जस्ट एक जिस्ट लिए हुए हैं। आगे आपको जाते जाते में पता चलेगा कि हमने इसमें कुछ कलर कोड भी यूज किया हुआ है, जो नोट्स होता है उसमें कुछ मार्किंग और कलर कोड यूज किया हुआ है जो आपको पता चलेगा। तो जो भी फूड होता है वो एनर्जी के लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है और रिपेयर ऑफ द सेल के लिए होता है। दैट इज कंप्लीट, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड। फूड का इससे ज्यादा कोई काम नहीं। अब इसमें फूड के साथ में क्या करते हैं, आप नाश्ता करो या ये भी करो तो आप यू ड्रिंक वाटर। वाटर का क्या काम होता है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को हेल्प करता है, यानी कि डाइजेशन में अगर उसको डाइल्यूट करना है, अगर हैवी मॉलिक्यूल्स को डाइल्यूट करना है, अगर वो ब्रेक डाउन हुए हैं तो वो मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर फूड को फ्लो करना है, अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो, अंदर जाना है उसको, ठीक है, तो ये बेसिक जरूरत क्या है। साथ ही साथ में कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्लोराइड वगैरह है, स्मॉल अमाउंट, बहुत बहुत कम अमाउंट में, वो भी आपको मिनरल्स जो है वो आपके वाटर के ही थ्रू मिलते हैं। और साथ ही साथ जो आपका वेस्ट होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट्स जो पसीने के फॉर्म में बाहर आ रहे होते हैं, या यूरिन के फॉर्म में या स्टूल के फॉर्म में, उसमें भी उसके रिमूवल में वाटर हेल्प करता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है संजीव? नो सर। ओके, ठीक है। अगर अगर आसपास में सराउंडिंग में अगर हल्का भी अगर लग रहा है, जैसे संजीव इज म्यूट कंसिस्टेंटली म्यूटिंग, और अगर घर में शांति है, आसपास में कोई शोर नहीं है, तो अपने आप को अनम्यूट करके ही रखो ताकि क्विक रिस्पॉन्स में हेल्प हो सके। तो जो भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर नीडेड टू बी ब्रोकन। अगर हाँ, मैं हमेशा इन बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि चाहे आप एग खाओ, चाहे आप पल्स खाओ, चाहे बच्चा ये जो राजमा खाया हुआ है, चावल खाया हुआ है, डू यू नो दैट कि वो एज सच जो प्रोटीन आप खाते हो या जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो, वो एज सच आपके बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है। तो आप कोई भी बायोमोलिक्यूल का ना दो फॉर्म होता है, एक होता है पॉलीमर फॉर्म, एक होता है मोनोमर फॉर्म, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रोटीन है ना, तो ये पॉलीमर फॉर्म में आप खा रहे होते हो, लेकिन प्रोटीन एज सच आपके बॉडी में, जैसे आप जिम गए, एक्सरसाइज किए, तो जो भी आप प्रोटीन खा रहे होते हो वो एज सच आपके मसल्स में या रिकवरी में यूज नहीं होता है। डू यू नो दैट, आप लोग जानते हैं? यानी अगर आप दाल खाओगे, अंडा खाओगे, तो उसका प्रोटीन आपके बॉडी में एज सच एक प्रोटीन के तौर पर यूज नहीं होता है, ये आपको पता है? ठीक है, तो जो भी बायो मॉलिक्यूल है उसको अपने सिंपल फॉर्म में टूटना पड़ता है। यानी कि अगर अभिनव ने चावल खाया रात में, दैट इज ए स्टार्च, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, स्टार्च इज अ ग्लूकोज विच इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो प्लांट अपने में स्टोर फूड को, प्लांट जब ग्लूकोज बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्रिजर्व करने के लिए वो स्टार्च के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। व्हेन यू विल ईट द स्टार्च, स्टार्च का आपके बॉडी में कहीं कोई जरूरत नहीं। तो स्टार्च को पॉलीमर से तोड़ा जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, एंड देन ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है एनर्जी के सिंथेसिस के लिए। अब समझ में आएगा? सो दिस इज व्हाट इज योर स्टार्च। ये स्टार्च है आपका, जब आप बॉडी में जाता है ये, तो स्टार्च टूटता है, और ये जो उंगलियां देख रहे हैं ये ग्लूकोज ग्लूकोज, तो जब स्टार्च है तो ये ग्लूकोज में फिर टूटते हैं आपके, ठीक है, और ये ग्लूकोज आपका सेलुलर लेवल पे एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम करता है। आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन प्लांट सोर्स का है, ये प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चर था प्लांट ने अपने लिए बनाया था, आपने उसको कंज्यूम कर लिया है, तो वो एज सच आपके बॉडी में यूज नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? एमिनो एसिड्स, ठीक है, तो प्रोटीन को तोड़िएगा तो एमिनो एसिड निकलेगा। एमिनो एसिड तो पूरा यूनिवर्सली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बीसी होते हैं। तो प्रोटीन प्लांट सोर्स के प्रोटीन को तोड़ के जो आपने एमिनो एसिड बनाया है, आपका बॉडी वो एमिनो एसिड यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। अब समझ में आएगा? आया ना? एवरीवन एवरीवन यस सर, यस सर, ठीक है।
ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आ जाता है डाइजेशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस, जो समझ में आएगा कि बायोमोलिक्यूल जो भी होते हैं, जो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी बायोमोलिक्यूल को कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनको उसका ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है, कन्वर्टेड इंटू अ सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि आपने स्टार्च को ब्रेक डाउन किया है ग्लूकोज में, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया हुआ है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया है एमिनो एसिड्स में, ठीक है, लिपिड को ब्रेक डाउन किया है फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो अब ये फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, अब ये आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, और यही रोल प्ले होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग हैं हेटरोट्रॉफिक, हम लोग अपना खाना हम लोग का बॉडी खुद नहीं बना सकता है, तो हम लोग को बाहर से कोई भी चीज कंज्यूम करना पड़ता है, तो हम किसी अपने बॉडी के अलावा किसी और सोर्स से फूड को लेते हैं, वो सोर्स जो भी आपने स्टार्च लिया वो प्लांट सोर्स है, फैट लिया वो एनिमल या प्लांट सोर्स हो सकता है, प्रोटीन एनिमल या प्लांट सोर्स हो सकता है। तो अगर आप उसको कंज्यूम करके चाहिएगा कि चिकन खाए हैं और चिकन का मसल्स आपके बॉडी में फिट हो जाए, तो डेट विल बी रियली वीक, वो बहुत वीक होगा। प्लांट के ऐसा जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं वो भी आपके पास में कोई उसका यूज नहीं हो रहा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो इस चैप्टर को, डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि जब कभी भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसको एक सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है, ताकि आपका बॉडी और सेल जो होता है वो उसको कंज्यूम कर सके। क्लियर है? तो आपके अपने बॉडी का वो सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम विच ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स इनटू यूजेबल सिंपल मॉलिक्यूल्स, सो दैट आवर बॉडी कुड एब्सॉर्ब इट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, सेल डिविजन एंड ग्रोथ ऑफ आवर सेल या बॉडी। अल्टीमेटली सेल का होगा तो बॉडी का भी ग्रोथ होगा। हाँ या ना? ठीक है। The conversion of complex food substances in a simple form is called digestion. The process को system को digestive system बोलते हैं, जो system काम करता है उसको digestive system बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे process को हम लोग digestion बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो digestion जो होता है उसमें दोनों चीजें include की होती हैं, chemical mechanism भी include होता है, और केमिकल प्रोसेस और मैकेनिज्म भी, केमिकल मैकेनिज्म भी इंक्लूड होता है और मैकेनिकल प्रोसेस भी उसमें इंक्लूड होता है। तो केमिकल क्या है और मैकेनिकल क्या है, वी विल स्टार्ट विथ, आज जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस खत्म करेंगे, और फिर कल या परसों जो होता है हम लोग वो केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम लोग। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि आपके दो प्रोसेस मैंने बताया था, मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैकेनिकल प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो है एलिमेंट्री कैनल, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, यानी कि जो भी फूड के डाइजेशन के लिए मशीन आपका बॉडी जो एज ए मशीन के तौर पे काम करते हैं, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर में आते हैं, और मैंने इनको मैकेनिकल लिखा हुआ है। इज इट क्लियर नॉट? अभिनव पूछा था ना कि आप डायग्राम कौन सा यूज करेंगे। yes, हाँ, हम अपना डायग्राम खुद से ड्रॉ करके यूज करते हैं, ताकि तुम लोग को भी ड्रॉ करने में आसानी हो। दिस हैज नॉट बीन डाउनलोडेड, आई हैव ड्रॉन इट। ठीक है, हो जाएगा। पढ़ेंगे, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी अभी देख के लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल है जो मैकेनिकल प्रोसेस को प्रोवाइड करता है आपके, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो केमिकल प्रोसेस को प्रोवाइड करता है, जिसमें एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, और ये केमिकल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो आपने क्या देखा
कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट पे डिपेंडेंट है, एक मैकेनिकल पार्ट पे है और एक केमिकल पार्ट पे है। मैकेनिकल पार्ट में आ जाते हैं, ये मैकेनिकल पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल आता है जो मैकेनिकल पार्ट को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ में ग्लैंड्स आते हैं जो आपके केमिकल पार्ट को सपोर्ट करते हैं। मैकेनिकल कहने का मतलब क्या, खाना खाओगे यहाँ पे जो आपका चबाना शुरू करते हो यहाँ से मैकेनिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब समझ में आ जाएगा। और जितने भी आपके कॉलम बने होते हैं जहां से फूड जो है वो मूव करते हैं, उसमें कितने सारे सेल्स होते हैं जो सारे सेल्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं कि आप आगे की ओर जाइए। अगर वो फूड डाइजेस्ट हो चुका है या ब्रेक डाउन हो चुका है तो बाकी चीजें जो उसमें का न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये सारे के सारे मैकेनिकल में आ जाते हैं, ठीक है। बाउल मूवमेंट है, ये भी मैकेनिकल में आ जाता है। तो हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे है कैसे नहीं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एंटीरियर ओपनिंग, जो एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप पूरा का पूरा ड्रॉ कीजिएगा, अगर एलिमेंट्री कैनाल को पूरा का पूरा ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका माउथ रीजन है जहां से आपने खाना को अंदर की ओर लिया हुआ है। तो ये क्या होता है, दैट इज एंटीरियर ओपनिंग बोलते हैं। आगे जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना, तो अगला वाला जो चक्का है और बोनट है वो उसका एंटीरियर रीजन कहलाता है, और गाड़ी का जो डिक्की है वो उसको हम लोग पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर क्या है कि खाना जो आप खाते हो या डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है, तो मैकेनिकल और केमिकल दोनों पार्ट आपका एंटीरियर रीजन माउथ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे दांत जो होते हैं आपके वो खाना को च्यू करते हैं ताकि बड़े साइज से उसको छोटे साइज में लाया जा सके। साथ ही साथ में यहाँ से सलाइवरी अमाइलेज का भी सिक्रीशन होता है जो खाने में मिक्स किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन स्टार्ट्स विद द माउथ। क्लियर है? तो आपका एंटीरियर रीजन एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर रीजन माउथ से स्टार्ट होता है, और पोस्टीरियर रीजन होता है एनस से, एनस जहां से स्टूल बाहर आता है, ठीक है। रेक्टम, रेक्टम का जो मुंह है उसको एनस बोलते हैं, एग्जैक्टली द होल थ्रू विच इट कम्स आउट, ठीक है। तो ये आपका एनस हो गया जो सबसे पोस्टेरियर रीजन में है, एनस जहां से आपके डाइजेस्टेड फूड का जो वेस्ट पार्ट होता है, जो आपके किसी काम का या आपके बॉडी में उसका कोई यूज नहीं हो पाया है, वो एनस से आ जाता है बाहर। तो एंटीरियर ओपनिंग जो है वो है आपका माउथ, और जो पोस्टेरियर रीजन है वो है आपका एनस। कोई दिक्कत नहीं है? और आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट के सामने गैलेक्सी टाइप का पॉइंट्स डॉट्स बनाया गया, गैलेक्सी इन द सेंस कि जैसे आकाश में तारा होता है ना, बिल्कुल उस तरह से पॉइंट्स बनाए हुए हैं या डॉट बनाए हुए हैं। ये समझिएगा कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द एंटीरियर एंड ऑफ योर एलिमेंट्री कैनल माउथ, व्हाट इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ योर एलिमेंट्री कैनल एनस, तो एनस या माउथ, माउथ पूछेगा, माउथ क्या होता है आपका, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एनस, देन इट इज अ पोस्टीरियर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरह से आइदर वे याद करना है इन पॉइंट्स को। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब माउथ में आ जाते हैं बकल कैविटी। तो ये पूरा माउथ का रीजन जिसमें आपका मसूढ़ा, जबड़ा और दांत, ये तीन चीजें जो आती हैं, जीभ के जीभ भी, तो ये पूरा पूरा बकल कैविटी कहलाता है। तो आप आँख करते हो तो ये अंदर में जितनी भी चीजें दिख रही होती हैं ये सारे के सारे बकल कैविटी में आते हैं। और याद करना पड़ेगा बकल कैविटी या उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब होता है छेद, ठीक है। तो ये आपके पूरा का पूरा, इसको अगर आप बंद कर दो, इफ देयर इज नो होल, तो ये एक कैविटी के तौर पे नहीं दिख रहा है, लेकिन लिप्स के थ्रू यहाँ पे एक होल दिया गया है सो दैट यू कैन ईट, जो भी आपको खाना होता है वो आप इसके अंदर में इंसर्ट कर सको, और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका वो एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यूज होना स्टार्ट हो जाए। इज इट क्लियर ना, ठीक है। तो जो भी बकल कैविटी और ओरल कैविटी होते हैं उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, तित और मस्कुलर टंग पाया जाता है। तो तित के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो तित जो भी है वो आपके जॉ जो होते हैं, जो जॉ मसल है या जॉ बोन है, मसल बोल रहा हूं, यहाँ अगर आप टच करोगे तो देखोगे कि जबड़े का जो भी बोन होता है उसमें सॉकेट बना होता है। सॉकेट किस तरीके से है, जैसे आप मोबाइल चार्जर होता है ना, तो दीवार में कुछ होल्स बने होते हैं और आप उसमें मोबाइल चार्जर डालते हो ताकि वो कनेक्ट हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट,
तो ठीक ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से बकल कैविटी में आपके जॉ जो बोन है उसमें भी सॉकेट बने हुए होते हैं, जॉ बोन में सॉकेट बने होते हैं, और यहाँ जो आपका दांत है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। या आप आपको कुछ बच्चों को ये याद भी होगा कि बचपन में जब दांत टूटा हुआ था तो उसके बॉटम में या जड़ में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, ठीक है, कुछ याद होगा, कुछ याद होगा। तो ऐसे दांत था और उसमें खूब लंबा सा ये होता है। नॉर्मली क्या होते हैं, जो मिल्क टूथ होते हैं उनका रूट बहुत डीप नहीं होता है। आगे में इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो जो मिल्क रूट होते हैं उसके बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है, जबकि हमारा जो बाद में एडल्ट टीथ ग्रो करता है उसके उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। और अगर एडल्ट टीथ में अभी हमारे और आपके एज में अगर हमारी दांतों में प्रॉब्लम होता है तो उसको प्रॉपर सर्जरी करके वहां से हटाना पड़ता है, जिसको हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, RCT बोलते हैं, जिसमें से पूरा ड्रिल करके उसके बाद दांत को बाहर निकालना पड़ता है। जबकि मिल्क टूथ क्या होता है, बचपन में जो होता है वो हल्का सा हिलते हिलते निकल जाता है, हाँ या ना। जबकि अभी इतने दिन, हाँ अभी इतने दिन में किसी भी दांत को पकड़ के हिलाओगे भी तो वो दांत नहीं हिलने वाला है। तो बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या है कि जो टीथ है दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जो बोन। तो आपका जो बोन जो होता है उसमें सॉकेट्स पाए जाते हैं, और ये जो सॉकेट होता है उसी में आपके टीथ जो है वो एम्बेडेड है। अब ये मिल्क होगा उसमें भी सॉकेट पाया जाता है, जो एडल्ट टीथ होता है उसमें भी सॉकेट पाए जाते हैं। सॉकेट का लेंथ कितना है ये इस पे डिपेंड करता है कि वो मिल्क टीथ है या एडल्ट टीथ है, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हाँ ओके ओके ओके। Now, अब इसमें क्या है, जो भी अटैचमेंट है, ये जो आपका टीथ और मसल, टीथ और जो जॉ सॉकेट है, इन दोनों के अटैचमेंट को टीथो ये थियोडेंट बोलते हैं, थियोडोंट बोलते हैं, THEODONT। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक मार्क लगाया हुआ है दैट यू हैव टू रिमेम्बर या यू हैव टू मेमोराइज दिस टर्म, कि थियोडोंट बोला जाता है उस प्रोसेस को या उस जॉइंट को थियोडोंट बोलते हैं जहां जॉ के सॉकेट से आपका टीथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, हाँ या ना। एंड डू नॉट वरी अबाउट दिस नोट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा आपके आपके लिए, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पीपीटी से वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अभिनव विल हैव टू मैनेज सम फोन, अदरवाइज जो आपका फोन है वो एक लिमिटेड यूज तक ही अवेलेबल हो पाएगा अभिनव, ठीक है। मैं फिर उसमें कोई खास हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपका थियोडोंट बोलते हैं जो भी टीथ है, यानी अगर आपका जो ये आपका मसल्स ये सॉकेट के तौर पे काम करते हैं और इसमें जो आपने दांत को आपने फिक्स किया हुआ है ये आपको थियोडोंट बोला जाता है। द अटैचमेंट ऑफ टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड थियोडोंट। इज इट क्लियर ऑर नॉट, इज इट क्लियर ऑर नॉट। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें दो सेट टीथ के दो सेट पाए जाते हैं और इसको डाइफियोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके दो सेट पाए जाने का क्या मतलब होता है कि पहले आपके पास, ज्यादातर मैमल्स में होता है कि पहले आपके पास एक मिल्क टूथ होता है जिसको डेसिडस बोलते हैं, यहाँ पे भी एक टर्म यूज किया गया है। तो जो आपके बाय बर्थ के बाद से जो आपका ग्रो करता है वो डेसिडियस होता है, डेसिडस होता है। डेसिडस का क्या काम होता है कि वो कुछ दिन तक आपको सपोर्ट करेगा, फिर जब तक आपका अंदर का बोन ग्रो करता है एज अ टीथ तब तक के लिए डेसिडस काम करते हैं। जब नीचे का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो डेसिडस को हटा करके एडल्ट बोन जो होता है, एडल्ट टीथ, वो उसका जगह ले लेता है। और इजिली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बाय बर्थ टीथ जो होता है वो एडल्ट टीथ जो है वो बाय बर्थ आप में ग्रो नहीं करते हैं। तो पहले डेसिडस ग्रो करता है और जब तक एडल्ट वाला सॉकेट और थियोडोंट एस्टेब्लिश हो रहा होता है तब तक डेसिडस प्रोवाइड करता है कि बच्चे 7-8 साल तक जब तक हैं वो उसको यूज करके अपना खाना पीना खाएं, क्योंकि जो एडल्ट टीथ होते हैं उसको ज्यादा स्ट्रांग और लंबे समय तक काम करने के लिए उसका ग्रोथ होना चाहिए, इसलिए वो उतने दिन लेट से ग्रो करते हैं एडल्ट टीथ। तब तक आपका डेसिडस ही है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, समझ में आएगा, ठीक है। सो दो सेट टीथ पाए जाते हैं और इस फेनोमेना
यानी कि किसी भी मैमल में अगर दो सेट पाया जाता है, एक मिल्क और एडल्ट, हम लोग इसको डाइफियोडोंट बोलते हैं। डाइफियोडोंट यानी डाई मतलब दो। तो फिजियोलॉजिकली दो तरीके के दांत आते हैं, फिजियोलॉजिकली दो तरह के दांत आते हैं, इसलिए हम लोग इसको डाइफियोडोंट बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है, तो वन सेट इज टेम्पोररी मिल्क टीथ होते हैं जिसको हम लोग डेसिडस बोलते हैं, और फिर इसके बाद में डेसिडस को रिप्लेस कर देता है आपका एडल्ट टीथ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? एक एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ सर? ये इसमें आप द कोडोंट क्या थियोकोडोंट बोले ना, इसमें बुक में दिया हुआ है द कोडोंट, मतलब सी आप छोड़ दिए हैं वहां पे, सी मिसिंग है, सी मिसिंग है। क्या हुआ? ये द थियोकोडोंट है ना सर, थियोकोडोंट, हाँ, तो उसी में सी मिसिंग है फोर्थ लेटर में। अच्छा थेकोडोंट है, सॉरी ये एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, थेकोडोंट होता है। ठीक है, एक्चुअली आई यूज दिस पेन ना, जैसे होता है ना कॉपी में लिखने में कोई मिस्टेक होता है ना, अगर ये टाइप हो रहा होता तो ये मिस्टेक नहीं होता। कॉपी में ये क्या होता है कि टैब में नोट्स के तौर पे लिखना होता है, आई यूज दिस थिंग टू राइट ओवर कंप्यूटर, तो एक सी छूट गया हुआ है, थेकोडोंट है। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, वहां से डिलीट करके रिप्लेस कर देंगे। नाउ नाउ एडल्ट ह्यूमन जो भी है, एडल्ट ह्यूमन में आपके पास में लगभग 32 ह्यूमंस में 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, एंड उसमें चार तरह के सेट्स में पाए जाते हैं, यानी पूरे के पूरे दांत को चार अलग अलग टाइप्स में बांटा गया हुआ है, जिसको हेटरोडोंट डेंटेशन बोलते हैं, यानी कि आपके दांत में ये, और ये लगभग जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें दांत की वेराइटीज होती है, इनका नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन क्वालिटी और नाम जो होता है वो सेम का सेम मेंटेन किया गया हुआ है। दैट इज इंसिजर्स आई लिखते हैं उसको, केनाइंस को सी लिखते हैं। अब ये केनाइंस हर्बीवोरस वाले में ज्यादा बड़ा होता है, जैसे डॉग्स और कैट्स, और आप लॉयंस वगैरह में देखेंगे तो केनाइंस बड़े होते हैं ये, जो ताकि वो मसल्स वगैरह को ज्यादा इससे ये कर सके, काट सके। प्री मोलर को पीएम लिखते हैं एंड मोलर्स को एम लिखते हैं। डेंटल फॉर्मूला जो है, अगर आप पूरे के पूरे दांत को डेंटल फॉर्मूला के हिसाब से डालिएगा तो अपर और लोअर को मिला करके 2-1-2-1-2-3 पे है, यानी कि आपके पास दो इंसीजर, एक केनाइन, दो प्री मोलर और 3 जो है वो मोलर पाए जाते हैं, यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ये आपके डेंटल फॉर्मूला है ऊपर और नीचे का। तो 2-1-2-3 है ये ऊपर में, यानी कि इन द मिडिल, यहाँ हाफ से इस साइड देखोगे तो दो केनाइन है, एक सॉरी दो इंसीजर है, एक केनाइन है, एक प्रीमोलर, दो प्रीमोलर होते हैं और 3 जो होते हैं वो मोलर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला है दैट हैज बीन गिवन। द हार्ड कोट, दांत के ऊपर जो शाइनी हार्ड कोट होता है व्हाइट कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं इनामिल। और ये क्या करता है, इनामिल क्या करता है कि आपके अंदर के बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि आप जो कुछ भी खा रहे होते हो वो किसी भी रेंज ऑफ पीएच का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, तो इनामिल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और एक च्यूइंग सरफेस, स्मूथ च्यूइंग सरफेस को प्रोवाइड करना होता है, ताकि आप किसी चीज को बहुत आसानी से चबा सके और वो उस पर स्टिक भी ना करे। तो आपको ये भी सुने होंगे कि कई बार कि आपको उन चीजों को खाने के लिए मना किया जाता है जो आपके दांत में लगने के दिक्कत हो उनमें। सो उसके बाद आपका, अभी ये यहां तक है, हम लोग टीथ के बारे में पढ़ रहे थे, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, इवन इफ ये कंप्लीट हो जाता है या बंद हो जाता है तो वापस से आके ज्वाइन कर लेना इमीडिएटली। टंग इज अ फ्री, दो लाइन सिर्फ बचा हुआ है, टंग इज अ फ्री मूविंग मस्कुलर ऑर्गेन अटैच टू द फ्लोर और लोअर सॉरी फ्लोर ऑफ द मैं इसको मिटाना भूल गया फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। तो जो भी आपका ओरल कैविटी होता है उसके फ्लोर से अटैच्ड होते हैं, और उसको फ्रेनिलम कहा जाता है, यानी वो अटैचमेंट